अपर मुख्य सचिव श्रम एवं रोजगार उत्तर प्रदेश शासन सुरेश चंद्रा ने आज वृद्ध वृक्षारोपण कार्यक्रम के अंतर्गत अधिकारियों एवं कर्मचारियों व किसानों को विकास भवन में फलदार पेड़ों का वितरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव श्रम एवं रोजगार उत्तर प्रदेश शासन ने बताया कि उत्तर प्रदेश सरकार के महत्वपूर्ण कार्यक्रम में वर्ष 2022-23 में वृद्ध वृक्षारोपण कार्यक्रम जन अभियान के रूप में चलाए जाने के निर्देश दिए गए हैं, जिसमें प्रदेश में 35 करोड़ पौधारोपण का कार्यक्रम है, जिसके लिए 5-6-7 जुलाई तथा 15 अगस्त 2022 में कार्यक्रम निर्धारित है। कार्यक्रम के तहत जनपद के उद्यान विभाग द्वारा 1,35,364 फलदार वृक्षों का रोपण कराया जाना है। दिनांक 5 जुलाई को 61,382, 6 जुलाई को 22,000 तथा 7 जुलाई को 33,382 तथा 15 अगस्त 2022 को 18,000 पौधे रोपण का कार्यक्रम बनाया गया है। आज वृक्षारोपण के प्रथम दिन के अवसर पर विकास भवन में फलदार पौधा वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस अवसर पर 300 किसानों, अधिकारियों, कर्मचारियों को 5-5 फलदार पौधों का वितरण सुरेश चंद्रा, अपर मुख्य सचिव श्रम एवं रोजगार उत्तर प्रदेश शासन, जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमंत कुटियाल एवं मुख्य विकास अधिकारी आनंद वर्धन द्वारा किया गया। वृक्षारोपण के पावन अवसर पर परियोजना निदेशक DRDA, जिला विकास अधिकारी, अधिशासी अभियंता ग्रामीण, अभियंत्रण विभाग, जिला कृषि अधिकारी, जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी, सहायक निबंधक सहकारिता, जिला कार्यक्रम अधिकारी, जिला युवा कल्याण अधिकारी, जिला समाज कल्याण अधिकारी, सहायक निदेशक सेवा योजन, मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश में आज 25 लाख वृक्षों का अभियान के रूप में प्लांटेशन होगा। कल उसका 10% 2.5 करोड़ का प्लांटेशन होगा और परसों फिर 2.5 करोड़ का प्लांटेशन होगा और 15 अगस्त को फिर से 10 करोड़ पौधों का प्लांटेशन होगा। वृक्ष का जीवन में कितना महत्व है उसके परिचय के लिए हम सभी मोहताज नहीं है, हम सबको मालूम है। क्रेडिट टू डेथ, जिसमें मनुष्य संसार में जन्म लेता है उस समय से लेके और अंतिम यात्रा तक हम लोगों को हरा देता है। मैं यहाँ पर उपस्थित सभी लोगों से अनुरोध करना चाहूँगा, परिवार में जितने सदस्य कम से कम एक और लगाए ही नहीं उसका पालन भी करें, क्योंकि जिस तरीके से बच्चे को परवरिश की जरूरत होती है उसी तरीके से वृक्ष जब आप लगा देते हैं तो उसको भी परवरिश की जरूरत होती है। अगर वृक्ष कहीं से डैमेज हो जाए तो हम सबको उसे रिप्लेस करना चाहिए, दूसरा पौधा लगाना चाहिए और एक तरीके से कर्तव्यनिष्ठ होकर अपने जीवन में कम से कम एक फलदार वृक्ष जरूर लगाएं। वृक्षों का माइथोलॉजी से बड़ा गहरा नाता है। हमारे ऋषि मुनि सन्यासी जिसका वेद बहुत पहले से ही समझते थे, आप जल पुराण पढ़ेंगे तो जल पुराण में व्यवस्था है कि अगर किसी मनुष्य के 10 सुपुत्र पैदा हों तो जितना पुण्य वो अर्जित करता है अपने जीवन में उतना पुण्य वो एक फलदार वृक्ष लगा के अर्जित कर सकता है। अंदाजा करिए किस तरीके से हमारे ऋषियों ने वृक्ष का प्रोटेक्शन धर्म से जोड़ा, पुण्य से जोड़ा। उस समय जिस तरीके कानून आज की तारीख में है, जैसे वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है, प्लांट प्रोटेक्शन एक्ट है, हम कहीं एक पेड़ काटते हैं तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उसकी अनुमति देता है और अनुमति के बदले में वो 10 गुना वृक्ष लगवाने का भी आदेश देता है। इस तरीके कानून पहले नहीं थे, जिस किसी का प्रोटेक्शन करना होता था उसको हम हमारे ऋषि मुनि या समाज उसको धर्म से जोड़ता था। तो निश्चित रूप से ये धार्मिक काम है। फलदार वृक्ष जब हम लोग लगाते हैं तो उसके फल
बस वो बच्ची या रहा कि उसको खाता है तो निश्चित रूप से लगाने वाले के लिए उसके दिल और दिमाग से कुछ अच्छा निकलता है। मैं जो हमारा लक्ष्य है यहाँ का 24 लाख पौधों का, वैसे अभी मुख्य विकास अधिकारी से हमारी वार्ता हो रही थी कि यहाँ की जनसंख्या लगभग 40 लाख है, तो एक व्यक्ति के हिस्से में एक पेड़ जरूर आना चाहिए। मैं डीएम साहब से अनुरोध करना चाहूँगा कि वो अपने कार्यकाल में कम से कम हर व्यक्ति के लिए एक पेड़ जरूर लगवाएं। अपना टारगेट जो 24 लाख है उसको बढ़ा के करीब 40 लाख रखें ताकि एक आदमी के हिस्से में एक पेड़ तो आ जाए। तो मेरी पूरी सद्भावना है, शुभकामनाएँ हैं कि जो अभियान हम लोगों को चलाना है उसमें पूरी तरीके सफल होंगे। डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर अफसर ने आज सभी अधिकारियों से अनुरोध किया है कि वो निःशुल्क प्लांट देंगे। सरकार ने ऐसी व्यवस्था की है, पहले एक दिमाग में शंका कुछ रहती थी कहाँ हम नर्सरी जाएँ, नर्सरी से पौधा खरीदें फिर उसको कहाँ लगाएं, तो इस समस्या के समाधान के लिए सरकार ने सभी पौधे निःशुल्क कर दिए हैं, चाहे हॉर्टिकल्चर नर्सरी हो चाहे वो फॉरेस्ट नर्सरी हो। नर्सरी पौधा उठाएँ और जहाँ भी जल्दी भी जगह हो वहाँ पर कोई सरकारी ज़मीन है वहाँ भी पौधे रोपण कर सकते हैं, अपनी निजी ज़मीन है वहाँ भी पौधे रोपण कर सकते हैं। मकसद ये है कि जो पौधा आप लगाएं उस पौधे की पूरी तरीके से परवरिश करें, और मैं शुभकामनाओं के साथ धन्यवाद देता हूँ। थैंक यू। अपर मुख्य सचिव श्रम एवं रोजगार सुरेश चंद्रा उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में आज वन महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाए जा रहे 35 करोड़ वृक्षारोपण जन आंदोलन 2022 का आयोजन विकासखंड छजलैट की ग्राम पंचायत फतेहपुर विश्नोई में किया गया। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव ने 1 जुलाई से 7 जुलाई तक मनाए जाने वाले वन महोत्सव कार्यक्रम के संबंध में तथा वृक्षारोपण की उपयोगिता के संबंध में विस्तार से जानकारी देते हुए सभी को वृक्षारोपण करने का आह्वान किया। इस अवसर पर अपर मुख्य सचिव ने ग्रामीण कृषकों को फलदार वृक्षों का वितरण किया। अपर मुख्य सचिव ने वन महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत वृक्षारोपण भी किया। इस अवसर पर जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार सिंह, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक हेमंत कुटियाल, मुख्य विकास अधिकारी आनंद वर्धन, परियोजना निदेशक सतीश कुमार मिश्र, जिला उद्यान अधिकारी गया प्रसाद, जिला विकास अधिकारी, उप जिलाधिकारी सदर, पुलिस क्षेत्र अधिकारी आदि मौजूद रहे।